हाँ कर दे। आज थोड़ा मेरा गला खराब है तो थोड़ा कमन। क्या हुआ? छुट्टी नहीं रे बाबा। गाना येड़ा हो गया। चलो चलो शैल वी स्टार्ट गाइस? यस ओके। चलो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट फाइनेंस, कमोडिटी एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। आज हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। बचे हैं एकदम बेसिक बेसिक छोटे छोटे सिंपल टर्मिनोलॉजीज, उसको हम लोग पढ़ेंगे एंड फिनिश करेंगे। आज बहुत ही इजी इजी वाले टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वेंचर कैपिटल। चलो फोकस करना, ये बातें नहीं, वेंचर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वेंचर कैपिटल। क्या लिखा है? वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट कैपिटल, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? प्राइवेट इक्विटी। एंड इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू हुम? स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव टू हैव अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? वेंचर कैपिटल। क्या हुआ ये? नहीं है बुक में तो नोट करो, मॉड्यूल में है तो अपने बुक में नहीं है तो अपन ऐड कर दो उसको, ऐड कर दो उसको, वेंचर कैपिटल। करा गया आपने ऐड? सो वहां पे क्या लिखेंगे? वेंचर कैपिटल इज अ प्राइवेट इक्विटी दैट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इक्विटी, अ टाइप ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग। प्राइवेट इक्विटी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग विच इज प्रोवाइडेड टू हुम? द स्टार्टअप्स। उन स्टार्टअप्स में जिनका हमें दिखता है कि उज्जवल भविष्य है, बराबर के नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जैसे आप आज कल वो देखते हो क्रेड, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा ना आईपीएल के दौरान, क्रेड पॉइंट्स अर्न करो। अभी तो टाटा न्यू आता है एड, बट उसके पहले किसका एडवर्टीजमेंट आता था? क्रेड। पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स थ्रू क्रेड ऐप एंड विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो ये जो कंपनी, कभी आज से पहले अपन ने कभी देखा था क्या? नहीं। बट किसी ने वो स्टार्टअप स्टार्ट किया था और उसका फ्यूचर उन्हें पता था कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक इंसान को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल तो पे करना है ना। एक तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड है उसी में जाके पैसा भर के खत्म कर देते हैं। बट अगर हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिससे कोई भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आप हमारे ऐप पे आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड का बिल भरो ही भरो, प्लस आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, तो क्या इसमें फ्यूचर दिखता है क्या? तो जो लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया ना, ये देख के कि ये कंपनी में कुछ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इसमें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उस पैसे को जो प्राइवेट लोगों ने उस क्रेड में लगाया ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेंचर कैपिटल। समझा गया बात को? वेंचर मतलब एक बिजनेस, लेट स्टार्ट अ वेंचर। वेंचर मतलब कुछ एक एक्टिविटी करते, तो एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा दिया जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेंचर। भाई आप समझो ना, ये जोमैटो ये सब भी क्या स्टार्टअप्स थे ना, आज यूनिकॉर्न बन गए वो। ये अपन जो बात करते हैं इसके बारे में, बायजूस, बराबर, ओयो, ये सब क्या था? ये ओयो वॉज ऑल्सो वॉट? अ चेन बनाए उन्होंने अंडर वन ब्रांड नेम, बराबर, अफिलिएटेड, क्या बताया उन्होंने, होटल्स का चेन बनाया। तो ये सब जो चीज है ना, ये एक विजन था, एक बिजनेस का स्टार्टअप था ये, बराबर के नहीं? बट उसको जब लोगों को दिखा कि यार ये बिजनेस जो है ना बहुत आगे जाएगा, तो वो जब लोगों ने उसमें पैसा लगाया, उसको क्या बोलेंगे अपन? वेंचर कैपिटल। कल चल के आपको कोई आइडिया आ गई, क्या बोल रहा हूं मैं, कल चल के आपको कुछ आइडिया आ गए,
बिजनेस की, और आप वो पिच करते हो, जैसे आप वो जाते हो ना शार्क टैंक में पिच करते हैं वहां पे, और फिर वो देखते हैं कि आपके स्टार्टअप में, आपके इस बिजनेस में पैसा है, फ्यूचर भी है, सब कुछ है, तो देन दे आर रेडी टू टेक, मैं 5% इक्विटी ले रहा हूं, 10% इक्विटी ले रहा हूं। शार्क टैंक देखा होगा आपने, तो उसमें जब वो पैसा लगा रहे हैं तो वो जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे को क्या नाम देंगे, उस कैपिटल को क्या नाम देंगे, वेंचर कैपिटल। समझा बात को? सो व्हाट इज वेंचर कैपिटल बच्चों, बोलो रे। इट इज अ प्राइवेट इक्विटी, अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव टू हैव अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्लियर है एकदम? शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर। सो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टॉक के बारे में। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है एकदम, वेंचर कैपिटल, मजा आ गया। एग्जांपल्स भी लिख के रखो आप, बोलो। प्राइवेट इक्विटी मतलब तेरे मेरे, अब तेरा बिजनेस है, तू मेरे को आया सर पैसा दे दो ना, कुछ धंधे में पैसा लगाना है, बहुत आगे जाएगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, ले ले भाई। तो अपना ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन हुआ ना ये, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी। पब्लिक इक्विटी मतलब पब्लिक प्लेसमेंट, आईपीओ जैसे अपन ने किया, पब्लिक ऑफर किया, सबसे मांग रहा हूं मैं, दे दो रे, तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक कैपिटल। समझा? यस, ओके। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, अ सर्टिफिकेट दैट इंडिकेट्स पोर्शन ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब क्या, अ कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं। कॉर्पोरेशन मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पे, अ कॉर्पोरेट एंटिटी, अ शेयर ऑफ स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक मतलब अपने प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफर्ड स्टॉक मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके फीचर्स क्या होता है, उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, उनको प्रायोरिटी पे डिविडेंड मिलता है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ये सब अपने पढ़ाई कभी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अकाउंट्स में, यस। सो इट इज डिविडेंड, इनको फिक्स मिलता है, फिक्स अमाउंट या परसेंटेज, दे गेट पेड फर्स्ट आउट ऑफ एनी प्रॉफिट, और लिक्विडेशन के केस में भी इनको पहले पैसा मिलता है, दे हैव प्रेफरेंस। कॉमन स्टॉक मतलब जो नॉर्मल अपने इक्विटी शेयर, अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स, दे हैव नो प्रेफरेंस एंड नो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टॉक मतलब क्या है अपने, सिंपल सी बात है, अ पोर्शन ऑफ अ कॉर्पोरेशन। मतलब आज समझो, फॉर एग्जाम्पल एसपीसी लिमिटेड, ठीक है, इसके मान लो अपन बात करें कि 10,000 शेयर है इसके, बराबर 10,000 शेयर है। अब उन 10,000 शेयर में 5,000 शेयर मान लो स्वप्निल सर के पास है, बराबर है, 1,000 शेयर मेरे पास, 1,000 सर, 1,000 शेयर इसके पास, अपना कौन, आनंद सर के पास, 1,000 शेयर पूजा मैम के पास, 1,000 शेयर विनोद सर के पास। तो आप समझने की कोशिश करो, ये क्या हो गया, ये अपना ये शेयर हो गया ना, ये स्टॉक कितना है, 10,000 का स्टॉक है। अब अपन जब वर्ड यूज करते हैं शेयर, वी गेट अ शेयर फ्रॉम द स्टॉक, समझा गया? तो 10,000 का स्टॉक है, एसपीसी का शेयर्स कितने, 10,000 स्टॉक है ये, उसमें से स्वप्निल सर का कितना, 5,000। तो इसलिए मेजोरिटी किसके पास है, स्वप्निल सर के पास, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्वप्निल सर की कंपनी है। 1,000 शेयर मेरे पास, 1,000 शेयर अंकिता मैम के पास, 1,000 शेयर पूजा मैम के पास, आनंद सर के पास, सबके पास, ऐसे क्या हो गया, शेयर्स हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक में से अपने को क्या मिला, शेयर, बट स्टॉक समझा गया आपको, और टोटल फंड। क्लियर एकदम? इसमें दो टाइप के स्टॉक्स होंगे, एक प्रेफर्ड शेयर और एक कॉमन इक्विटी शेयर। दोनों इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या है, वो मम्मी का लाडला बच्चा है, वो प्रेफरेंस प्रायोरिटी उसको मिलेगा वो। समझा गया बात को बेटा? पहले तू डिविडेंट ले, समझा बात को बेटा? पहले तू पैसे ले, तो वो प्रेफरेंस है उसको। कॉमन स्टॉक अपने जैसे, बाद में तेरे को, तू बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ। समझा बात को? यस सर। ऐसा अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, समझ में आ गया? आज बहुत सिंपल सिंपल है टर्मिनोलॉजीज। बात करेंगे किसके बारे में नेक्स्ट, स्टॉक स्प्लिट, स्प्लिट नहीं, स्प्लिट नहीं, तो बच्चा बोलेगा से ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट मतलब उसको क्या करना,
उसको डिवाइड करना। मतलब आज अगर मैंने कहा कि एसपीसी का 10 लाख का कैपिटल है विद 10,000 शेयर्स, तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? लिखता हूं मैं, एसपीसी हैज 10 लाख का शेयर कैपिटल विथ 10,000 शेयर्स, सो पर शेयर कितना हो गया प्राइस? हा 100, तो इसका हुआ दैट इज रुपीज 100 पर शेयर। ये समझा गया बात आपको? अभी हमको इस स्टॉक को स्प्लिट करना है, हर एक शेयर को दो शेयर में बनाना है, और हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने हैं हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि 10 लाख का ही कैपिटल, बट अब हर एक शेयर को हम लोग दो शेयर में स्प्लिट कर देंगे, तो हम बोलेंगे 20,000 शेयर्स। तो अब हमने क्या किया, अब हमने बोला कि अब जो आपका 100 रुपए का एक शेयर था ना, अब वो 100 रुपए के दो शेयर हो जाएंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा कितना रुपीज, 50 पर शेयर। तो ये हमने क्या किया, इधर एट 10,000 शेयर्स इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिए, तो हमने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया, बांट दिया उसको, बढ़ा दिया। और स्टॉक स्प्लिट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। पहले हमारे कितने शेयर्स थे, 10,000, सौ नहीं रे, 10,000 शेयर थे ना, आज कितने हो गए? हमने क्या बोला, पहले 100 का एक शेयर था ना, अब अपन क्या करेंगे, 50 का एक शेयर कर देंगे। समझा क्या? तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए, कम कहां किए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, प्राइस कम हो गई, पर बात तो उतनी हो गई ना। तो अपने को अपने शेयर्स मार्केट में क्या करने हैं, बढ़ाने हैं। तो 100 का एक शेयर की जगह अब हम लोग क्या बोलेंगे, 100 के दो शेयर, मतलब 50 का एक। तो क्या हो गया इधर, बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स, इट इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। द रेशियो इज यूजुअली स्प्लिट इनटू 2:1, 3:1, 1:1, या 1 शेयर स्प्लिट इनटू 2 और 3 एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब समझा गया, अपन ने एक के दो कर दिए, समझा बात को। आज एक शेयर अभी अपने कितने हो गए, दो, 100 रुपए का एक शेयर, अब वो क्या हो गया, 50 के दो हो गए। तो एक शेयर बांटा गया कितने में, दो शेयर में। तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए मार्केट में, ज्यादा हो गए, ज्यादा लोग अब उसमें ट्रेड कर सकते हैं, चांसेस है कि अब वो एक शेयर की वैल्यू अब 60-70 हो जाए। समझ रहे बात को? तो ऐसा, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टॉक स्प्लिट। तो अपन ने अभी कौन से 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी बच्चों, वेंचर कैपिटल जो किसमें लगता है, स्टार्टअप में, नंबर 2 स्टॉक, और नंबर 3 स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, तो आपको समझ में आज फंडिंग के बारे में क्या क्या देखा, कि फंडिंग होता है स्टॉक्स का, वो स्प्लिट भी कर सकते हैं, और स्टार्टअप्स में जब अगर पैसा लगाते हैं तो वो है वेंचर कैपिटल। सिक्योरिटीज कल पढ़ लिया था अपन ने, है ना, सिक्योरिटीज बोल दिया था आपको। अब बारी आती है किसकी, रिस्क। ओके, रिस्क मतलब, ऐसा कोई मुझे मीनिंग बताएगा कि रिस्क का मतलब क्या होता है, जनरल इंग्लिश मीनिंग, ऐसा रिस्क का जनरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, रिस्क। अच्छा, डेंजर मतलब रिस्क, श्योर मतलब ऐसे रास्ते में जब ऐसे साइन बोर्ड लगाते हैं डेंजर अहेड, तो रिस्क अहेड क्यों नहीं लिखते? अनसर्टेनिटी, कंटिंजेंसी क्या होता है, मेरी इंग्लिश अच्छी है भैया, अच्छा जनरल पूछ रहा हूं भाई, रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा मतलब डेंजर होता बेटा, मेरे को हिंदी भी आती, ठीक है ना, दैट इज पॉसिबिलिटी, रिस्क इज पॉसिबिलिटी, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी। ओए ओए ओए, अरे सर रिस्क तो रिस्क हो गए यार, तुम भी कितना टेंशन ले रहे हो सर, व्हाट इज रिस्क भाई, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, क्या है, सावधानी, सावधानी मतलब इट इज बीइंग अलर्ट, येडी अलर्ट होना मतलब रिस्क है क्या, कुछ भी बोल रहे, ट्रांसलेशन थोड़ी चाहिए, कितना भारी,
साला रिस्क मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो इंग्लिश मीडियम से कौन कौन पढ़े जरा हाथ ऊपर करो, बताओ तुम में से कोई। तो चलो वर्नेक्युलर मीडियम से पढ़े है ना, देखो आप लोग यूं ही फालतू में मायूस हो रहे थे कि यार मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा मेरे को कैसा होगा। देखो इन लोग को भी नहीं आ रहे, इन लोग ने भी जिंदगी में कुछ नहीं किया। चलो बोलू क्या मैं, पब्लिक गूगल कर रहा है अभी है ना। सो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क। सो इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव आउटकम। देखो आपने अभी तक जो भी बातें बोली आप नेगेटिव बातें ही कर रहे थे, डेंजर लॉस जोखिम है ना, ऐसे खतरा। अलर्ट तो ज्यादा हो गया भाई। सो यहां पे रिस्क मतलब क्या होता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव आउटकम। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि यार मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई रिस्क है बहुत प्रॉफिट होएगा। डू वी यूज द वर्ड लाइक दिस, रिस्क है प्रॉफिट होएगा, क्या बोलेंगे, रिस्क है लॉस होगा। मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा पापा बहुत रिस्क है लॉस हो जाएगा, तो ये सही है ना। ऐसे थोड़ी बोल सकते पापा रिस्क है बहुत प्रॉफिट होएगा, देख लो करना है क्या, रिस्क बहुत है प्रॉफिट बहुत है, सेंस नहीं बनता। सो जब भी हम लोग रिस्क के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप समझिए रिस्क इज समथिंग विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नेगेटिव आउटकम। ये क्लियर हुआ क्या, क्या जब इस रिस्क का इंग्लिश मीनिंग पता होगा ना, तब हम लोग इसको स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट से लिंक कर सकते हैं। बट अपने को अगर रिस्क का डिक्शनरी मीनिंग ही नहीं मालूम, क्या फायदा ना उसका फिर। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी चीजें याद रखना है ना, तो सिंपल उसके पहले सिंपल मतलब समझो, रिस्क समझा। अभी क्या लिखा हुआ है, अ प्रोबेबल चांस ऑफ व्हाट नाउ, द एक्चुअल रिटर्न्स विल बी रिड्यूस्ड देन एज कैलकुलेटेड। मतलब आपने अगर सोचा था कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, बट एक्चुअल विल बी व्हाट, दिस प्रॉफिट इट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल देर में भी लॉस, बोलो आया ना। सो योर एक्चुअल रिटर्न्स विल बी रिड्यूस्ड एज कैलकुलेटेड। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट, बट योर एक्चुअल इज व्हाट लॉस। आपने सोचा था 10 लाख, बट भाई 2 ही लाख प्रॉफिट हुआ, 8 लाख का रिस्क है। समझा बात को? तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं रिस्क, कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, उल्टा होगा, नेगेटिव होगा, उसको बोलते हैं रिस्क। समझा गया? अब अगर तुम 8 लाख सोच के चले थे, बराबर है, देखो अपन चलो बातें करते हैं नॉर्मल ऐसे, अगर अपन 8 लाख सोच के चले थे प्रॉफिट होगा, बट आपको 10 लाख हो गया प्रॉफिट, तो क्या बोलोगे, रिस्क है? आप थोड़ी बोलोगे रिस्क है। बट फिर आप सोच के चलते हो कि भाई 8 लाख का प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में देखा आपने 4 लाख का ही प्रॉफिट हुआ आपको, तो पापा आपको पूछेंगे क्यों रे बेटा तू तो 8 लाख का प्रॉफिट बोल रहा था, 4 ही लाख कैसे हुआ? पापा उतना तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना, जितना सोचा था एक्चुअल में उतना होगा जरूरी नहीं है ना। दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज व्हाट वी आर टॉकिंग, दिस इज द टर्मिनोलॉजी। पापा जितना जैसे सोचा था वैसा थोड़ी होगा ना, बराबर है कि नहीं? अब कुछ बच्चे 300 का स्कोर प्लान करते हैं, एक्चुअल में आता है 200, पास हो जाते 200 पे, तो पापा बोल रहे क्यों रे बेटा तू तो 300। पापा उतना तो सर एग्जाम में रिस्क है, जितना सोचा था वैसा थोड़ी आता है। आप 10th और 12th में आप 90-95 एम कर रहे थे, 92-90 आया आपको, तो क्या बोला, उतना तो रिस्क है ना, इतना सोच के चलेंगे तो इतना मिलेगा, ये जो बीच में है उसको क्या बोलेंगे, रिस्क। सो वापस से पढ़ते हैं, अ प्रोबेबल चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न्स विल बी रिड्यूस्ड देन एज कैलकुलेटेड, एक्चुअल विल बी लेस एज देन व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड। रिस्क इज यूजुअली मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड। इट इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड. जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा डेविएशन होगा, प्लस या माइनस किधर भी है, बराबर के नहीं, बट रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलता है. रिस्क मतलब क्या है, समझ में आया बच्चों? बोलो. यस. लर्न करने की जरूरत है क्या रिस्क मतलब क्या है? लर्न करने की जरूरत है क्या कुछ भी? नहीं. जो सोचा था और जो पाया है सब मुंह माया है. अरे ये तो रिस्क है ना, ये क्या सोचे थे और क्या मिला है, बराबर के नहीं. अब ऊपर चलते हैं और बात करते हैं और एक टर्मिनोलॉजी की, बिजनेस रिस्क की. बिजनेस रिस्क साथ ही में उसके सब ऐसा दिमाग में पता होना चाहिए कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग. सिर्फ रिस्क मतलब क्या और बिजनेस रिस्क मतलब क्या है, नहीं तो क्या हो जाएगा एग्जाम में ऑप्शन तो ये दो पक्के दिखेंगे आपको, रिस्क वर्सेस बिजनेस रिस्क. सो बिजनेस रिस्क मतलब क्या है? द रिस्कीनेस. रिस्कीनेस मतलब क्या? नेगेटिव आउटकम विच इज इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब क्या? इट इज देयर इन योर बिजनेस फ्रॉम द स्टार्ट. इनहेरेंट मतलब क्या? फ्रॉम स्टार्ट. इनहेरेंट मतलब क्या? फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम बिगनिंग, जब से पैदा हुआ है तब से. जैसे आप बोलते ना कि यार ये जो मेरी हाइट है आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर, बराबर कि नहीं. ये जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय मदर. ये जो मेरे बाल है आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर, माय ग्रैंड मदर. ऐसे बोलते हैं इनहेरेंट मतलब आपकी वो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन. इट इज देयर इन योर फैमिली, इन योर ब्लड लाइन सिंस बिगनिंग. दैट इज द वर्ड इनहेरेंट. मतलब आपके पास, अरे भाई टेंशन नहीं, मेरे बाप दादा का बहुत पैसा है, मेरे को मिलने वाला है, बिकॉज यू हैव इनहेरिटेड दैट. समझा गया? तुम पैदा हुए उस घर में, मतलब आपका वो सब हो गया है बाय बर्थ इनहेरिटेंस. समझा? तो वैसे ही यहां पे रिस्क जो है ना धंधे में, सिंस स्टार्ट, जब से आप धंधा करते हो वो धंधे के स्टार्ट से वो रिस्क है. क्या रिस्क है? कि जो आप एक्चुअल में सोच रहे हो वैसा होगा या नहीं होगा वो गारंटी नहीं है. दैट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट देर मे बी अ एक्चुअल रिजल्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. समझा बात को? यस सर. एंड इन द फर्म्स ऑपरेशन इफ इट इज यूजिंग नो डेट, मतलब अपना पूरा पैसा डूब जाएगा. नो डेट मतलब, डेट मतलब क्या होता है? कर्जा. आउटसाइडर्स फंड्स, बाहर के लोगों का पैसा. डेट बैंक से लिया, डिवेंचर होल्डर से लिया. तो अगर हमने बाहर के लोगों से, बैंक से पैसा लिया हमने और हमारा लॉस हो गया, बैंक बोलेगी पैसा दे, अपन क्या बोलेंगे? अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना. सही है ना? उसको बोलेंगे टाटा बाय बाय, टेक केयर. बट अगर पूरा 100% अपना पैसा है तो 100% अपना ही लॉस हो गया ना. तो जो अपना लॉस हुआ वो अपने लिए रिस्क है ना. सो इसीलिए वो आगे वर्ड क्या यूज किया, इफ इट यूज़ नो डेट. क्योंकि अगर डेट यूज किया तो वो बैंक के जिसने अपने को पैसा दिया उसका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता. बट अगर पूरा पैसा मेरा लगता, ज्यादा लॉस हो जाता तो मैं सह नहीं पाता. समझा बात को? तो इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस रिस्क. कि अगर आपने बैंक से या कहीं और से कर्जा नहीं लिया है और जो भी पैसा है लगा हुआ है वो पूरा आपका लगा है और वो पैसा डूबने की संभावनाएं है, वो धंधे में लगाया पैसा आपने और वो धंधे में पैसा डूबने की संभावनाएं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बिजनेस रिस्क. रिस्क सिर्फ मतलब क्या बोलेंगे? कि एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अगर कंपेयर करें तो एक्चुअल रिजल्ट कम होगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट. बट बिजनेस रिस्क मतलब क्या है? वो रिस्कीनेस, वो एक्चुअल रिजल्ट दैट विल बी लेस, बराबर. एंड दिस विल बी देयर इन द बिजनेस सिंस द बिगिनिंग. समझा गया बात को? जब से ऐसा कोई बिजनेस है कि आज तक जो मुझे बताओ आपने स्टार्ट किया और गारंटी है कि प्रॉफिट होगा करके, बोलो. ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप स्टार्ट करो और गारंटी है कि प्रॉफिट होगा आज करके. एवरी बिजनेस हैज व्हाट दैट इनहेरेंट रिस्कीनेस, कि एक्चुअल रिजल्ट्स विल बी लेस एज देन दैट एंटिसिपेटेड. क्लियर एकदम? यस सर. ओके चलिए, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? ओके. सो ये क्या हो गया अपना इधर से. अभी बात करते हैं अबाउट व्हाट,
चलो ये एक पॉइंट कर लेते हैं, आस्क ऑफर और बिड, ये गुरुकुल में मेरा पढ़ा के हो चुका है बट ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा बच्चों। आस्क ऑफर, आस्क ऑफर, एक बच्चा क्या बोलता है सर वाइन शॉप दारू, बेटा तू दुकान खोल के बैठेगा, तेरे दुकान में कोई नहीं आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब बैन करो इधर, तो नो बिजनेस इज व्हाट 100% लाइक यू नो रिस्क फ्री। तुम लोग वो ठेका डाल के बैठ जाओगे बराबर के नहीं? नहीं नहीं, वो जो बोल रहा है इधर नाम भी उसने अपना नहीं लिखा, पिंड्रू पिंकिंग नूब स्क्वाड ऐसे ये बच्चे कमेंट कर रहे। तो आप समझने की कोशिश करो कि आपके मन में भी आया होगा कि हम लोग एक ठेका डाल के बैठ जाएंगे तो पक्की बात है कि प्रॉफिट ही होगा, गारंटी नहीं है भाई, आपके दुकान पे कोई आया ही नहीं तो बराबर है। या मान लो आपके दुकान पे आए, आपसे ही दारू खरीदी, पैसे नहीं दिए आपको, भक्के गए तो गुंडे मवाली आ गए तो क्या करेगा बेटे? सबके बस की बात नहीं होती वो, समझा गया? तो कंट्रोल, उदय नहीं, उदय तो अपना क्या है ऑलरेडी कंट्रोल में। सो अब बात करते हैं किसके बारे में, आज क्या ऑफर। अभी बोल रहे पेट्रोल पंप, अभी एक एक ऐसा मत चालू हो, जरूरी नहीं है कि पेट्रोल पंप भी हर पेट्रोल पंप क्या है प्रॉफिट में रहे, ठीक है ना? डे बाय डे द मार्जिन आर वेरी डिक्लाइनिंग, बराबर के नहीं? कंपटीशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज कमिंग अप। सो ऐसा कहीं पे भी ऐसा मैं बता रहा हूं, कोई बिजनेस ऐसा रिस्क फ्री नहीं है, हर बिजनेस में रिस्क है, ठीक है? आस्क और ऑफर, द लोएस्ट प्राइस विच एन ओनर ऑफ सिक्योरिटी इज विलिंग टू सेल, द ऑफर इज हायर देन द बिड, ठीक है? बात करेंगे उसमें, पहले आस्क या ऑफर। कभी आपने ऐसे देखा होगा, सुना होगा कि जो सेलर है ना, सेलर ओनर टू सेल, मतलब ओनर इज सेलिंग, मतलब ये कौन हो गया बच्चा? सेलर हो गया ना, ये बोलो ना कौन हो गया? सेलर। तो सेलर क्या बोलेगा? दिस इज माय फाइनल ऑफर, सेलर ऐसा बोलता ना, ये मेरा आखिरी ऑफर है, मैं इससे नीचे एक रुपया नहीं बेचूंगा, समझा गया? दिस इज माय आस्किंग प्राइस, आई एम आस्किंग दिस प्राइस, दिस इज द लोएस्ट, इसके नीचे बार्गेनिंग में मैं एक रुपया नहीं लेगा, समझा गया? तो इसीलिए जब सेलर अपनी प्राइस कोट करता है, ही इज गिविंग यू एन ऑफर, और जब नेगोशिएशन या बार्गेनिंग चलता है तो वो क्या बोलता है कि साहब ये मेरा फाइनल ऑफर है, इसके नीचे मैं एक रुपया नहीं लूंगा, इसलिए वहां पे वर्ड क्या आया, द लोएस्ट प्राइस विच द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी इज विलिंग टू सेल, वो कम प्राइस, लोएस्ट प्राइस, इसके नीचे मेरे को नहीं बेचने का। आज तुम्हारे पास अगर रिलायंस के शेयर है, टाटा के शेयर है, आपको उसको बेचना है, तो आप क्या बोलोगे? भाई कम से कम इतने में तो बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा भाई, समझे बात को? तो इसको बोलते हैं अपन क्या, द ऑफर प्राइस गिवन बाय द सेलर विल बी व्हाट द लोएस्ट। नहीं तो बच्चे के मन में क्या आ जाएगा, अरे सर सेलर तो हाईएस्ट प्राइस कमांड करेगा ना, अरे उसको हाईएस्ट मिला तो वो खुश है, बट वो जो ऑफर करेगा फाइनल विल बी द लोएस्ट, उसके नीचे वो एक रुपया नहीं लेगा आपसे, समझा गया बात को? तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आस्क ऑफर, ठीक है? अब आगे चलते हैं बी से, इधर आगे आपको पॉइंट दिखेगा, वो है कौन सा, बिड। अब बिड मतलब अपन बोली लगा रहे, बिडिंग। सो बिड मतलब कौन, यहां पे बायर, ध्यान रखना, बी से बिड, बी से बायर, आस्क आस्क सेलर, ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, आस्क आस्क से सेलर, सेलर इज गोइंग टू गिव द ऑफर ऑफ द लोएस्ट प्राइस, इसके नीचे नहीं जाएगा। बिड इज द बायर, वो बोलता है भैया इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। बिडर क्या बोलेगा, मैं इससे ज्यादा एक रुपया नहीं दूंगा। सेलर क्या बोलेगा,
इससे कम में एक रुपया नहीं लूंगा, बायर क्या बोलेगा, इससे ज्यादा में एक रुपया नहीं दूंगा। सो बिड इज द बायर हु इज विलिंग टू पे द हाइएस्ट प्राइस टू पे फॉर अ स्टॉक, इट इज ऑपोजिट ऑफ आस्क और ऑफर, सही है एकदम। सो बिड बायर हाईएस्ट प्राइस वो कोट करेगा, वो बोल रहा है मेरा मैक्स इतना है, पापा ने मेरे को इतने पैसे देके भेजा था, इसके ऊपर में एक रुपया नहीं देगा आपको। सेलर क्या बोलेगा, ये इससे कम में मैं एक रुपया नहीं लेगा क्योंकि मेरा खरीदी भाव ही उतना है, मैं मेरा घाटा नहीं कराऊंगा। क्लियर है एकदम, यस सर। तो इससे जब आपको एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स के लिए ये आएगा, तो क्या आप इस बात से सहमत है, द ऑफर इज ऑलवेज हायर देन द बिड, डू यू अग्री विद दिस, वाई नो, ऑफर इज हायर देन द बिड ना, ऑफर इज बाय द सेलर एंड बिडिंग इज डन बाय द बायर, सो हु विल बी चार्जिंग द हायर प्राइस एंड हु विल बी विलिंग टू पे द लोअर प्राइस, सो द ऑफर विल बी हायर ना। अब मैं तुमको बोल रहा हूं 10,000 रुपए दो इकोनॉमिक्स की फीस, तुम क्या बोलोगे, नहीं 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 सर 8,000, सो तुम बिडर हो, मैं सेलर हूं ना, सो माय ऑफर विल बी हायर एज कंपेयर टू व्हाट यू आर बिडिंग फॉर। फिर अपन नेगोशिएशन में करके एक लेवल पे आएंगे, बोलेंगे नो चल तेरा नहीं मेरा नहीं 9,000, अरे समझा गया, तब जाके वो ट्रेड होगा ना। तो जो सेलर है वो हमेशा कभी भी ज्यादा मांगेगा एज कंपेयर टू द बायर जो हमेशा कम देना चाहेगा। बट जब बातें करते हैं तो आस्क ऑफर में क्या बोलते हैं अपन कि दिस इज द लोएस्ट, मैं आपके लिए बच्चों 10,000 ये लोएस्ट कर सकता हूं। आप क्या बोलोगे, सर 8,000 हम हाइएस्ट पे कर सकते हैं। अरे समझा गया, ऐसा वो ट्रेड है। क्लियर है एकदम, बोलो रे, चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। अभी ओके, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज व्हाट, द टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, मिल रहा है क्या बुक वैल्यू, अरे बी के सीक्वेंस में चल रहे अपन, अल्फाबेटिकल ही है सब, बॉन्ड के बाद। बट सर ऑक्शन में तो ऐसा नहीं होता, इधर ऑक्शन चल रहा है क्या है, स्टॉक मार्केट के दुनिया में ना अपन, किधर है अपन, स्टॉक मार्केट की दुनिया में ना, ऑक्शन की दुनिया में है क्या, ऑक्शन की। इसीलिए आपको कौन से एरिया के टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है आपको, इसीलिए फाइनेंस कमोडिटी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, हाँ ये। चलो बुक वैल्यू, अभी बुक वैल्यू का मतलब क्या है, इट इज द टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, मीन्स बुक वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, तुम्हारी बुक वैल्यू क्या है, बोलो नहीं समझा, हाउ मच इज योर बिजनेस वर्थ एज पर द बुक्स। तो अपन क्या बोलेंगे कि देख भाई इधर ये हमारी लाइबिलिटीज है, बराबर है, और इधर ये हमारे एसेट्स है, तो ये जो है ये हमारे एसेट, इधर अपना कैपिटल रिजर्व्स और ये बाकी आउटसाइडर्स के लाइबिलिटीज, बोलो रे, तो ये हमारे एसेट्स माइनस ये हमारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, बराबर के नहीं, विल गिव मी व्हाट, द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ आर बिजनेस, व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ आर बिजनेस एज पर द बुक्स। हमारे फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, हमारे बुक्स के हिसाब से आज हमारा बिजनेस इतना वर्थ है, लाखों करोड़ों का वर्थ मेरा बिजनेस का है, वो किस हिसाब से बोलेंगे हम लोग, ये बुक्स के हिसाब से। आज हमने बुक्स में एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करी ना, आज हमने कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हमने इधर क्या करा, इधर हमने हमारे एसेट्स को हमने रिकॉर्ड किया ना एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बराबर है,
और हमने बाहर वालों को जो देना है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया यहां पे, और अब जितना हमारी एसेट है माइनस बाहर वालों को जितना देना है वो सब, मतलब हमारे एसेट्स माइनस बाहर वालों का पैसा हटा के हम बोलेंगे हमारे बिजनेस की ये नेटवर्थ है या हमारी वैल्यू है एज पर बुक्स। समझा गया? तो एज पर बुक्स हमारी ये इतनी वैल्यू है, तो इन सिंपल टर्म्स इसको क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। दिस विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। रिलायंस का अगर ये बुक वैल्यू देखे तो क्या होगा, मान लो रिलायंस का बुक वैल्यू के हिसाब से ये आता है मान लो 1000 रुपए मान के चलो, बट आज अगर इस रिलायंस के शेयर्स को अगर अपन स्टॉक मार्केट पे देखे तो एक शेयर चल रहा है 2450 पे, तो बुक वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मार्केट वैल्यू। समझा गया बात को? क्योंकि शेयर प्राइस मार्केट पे अलग होगा और तुम्हारे फाइनेंशियल्स के हिसाब से तुम्हारी वर्थनेस अलग होगी ना। तो बुक वैल्यू, तुम्हारे बिजनेस की बुक वैल्यू क्या है, किताब के हिसाब से तुम्हारे एसेट इतने पे रिकॉर्ड हुए आफ्टर डिप्रिसिएशन, कैश इन हैंड इतना है, स्टॉक इतना है, डेटर्स इतना है, इन्वेस्टमेंट्स इतना है। अरे बोलो भाई, ये बुक के हिसाब से, और तुम्हारा बाहर लोगों को देना इतना है, तो बुक के हिसाब से तुम्हारे बिजनेस का वैल्यूएशन आ रहा है मान लो 1 करोड़ रुपए। बट हमारे शेयर्स मार्केट में जब ट्रेड हो रहे हैं ना, कुल मिला के जितने हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना, उसको उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 4 करोड़ की वैल्यू है। तो 4 करोड़ क्या है, मार्केट वैल्यू। आज मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। समझा गया बात को? ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम जो देखते हैं किताब में, अब जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल, चलो चलो सिंपल करते हैं, ये जो गोल्ड रिंग है, ये गोल्ड रिंग मैंने खरीदी थी जब इसका वैल्यू था, गोल्ड का वैल्यू था 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज 10 ग्राम्स। मैंने किताब में अपने इन्वेस्टमेंट्स में रिकॉर्ड किया, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा उसको, 40,000। आज जब इसको मार्केट में लेके जाऊंगा, क्या मेरे को 55-60 हज़ार रुपए मिलेंगे इसके? तो ये आज मार्केट में लेके जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, 55-60 हज़ार रुपए है, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। बट बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000। समझा गया? आपने बुक्स में क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड किया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट आज उन्हीं शेयर्स की तुम्हारे मार्केट में क्या वैल्यू है। सो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट। तो कोई भी आपको जब ये कब यूज होता है कॉन्सेप्ट, जब हम लोग को किसी का धंधा खरीदना है तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा नेटवर्थ कितना है, बुक वैल्यू कितनी है तुम्हारी। समझा गया? बोलेंगे बुक वैल्यू तो ये है, बट आज जाके देखिए हमारे मार्केट में शेयर्स क्या रेट पे ट्रेड हो रहे हैं, हमारी मार्केट वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। समझा गया बात को? तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो ना, मार्केट वैल्यू। जो बुक में है उसको खत्म। आओ रीड करते, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। बुक वैल्यू ऑल्सो मीन्स द वैल्यू ऑफ एन, देखो ये सिंपल हो गया आपके लिए, द बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ एन एसेट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक्स। बराबर है कि नहीं? बुक वैल्यू इज ऑफन डिफरेंट देन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। मैंने बुक्स में 40,000 को रिकॉर्ड किया ना, इसको बाबा एक्चुअल में इसका वैल्यू अलग रहेगा ना, इसका ट्रू वैल्यू अलग रहेगा कि नहीं, बोलो। आया ना? अभी ये अप्रिशिएट हुआ है। अब मेरा लैपटॉप, ये 1.5 लाख का लैपटॉप है, इसका डिप्रिसिएशन करके करके इस साल का WDV आ गया मेरा 1,30,000 मान लो। बट आज मैं अगर इस आईपैड को बेचने जाऊं मार्केट में, मेरे को 60,000 रुपए भी नहीं आए, बोलेगा सेकेंड हैंड है, 60,000 का को दे, विल गिव यू ओनली 40,000। सो एक्चुअल वैल्यू में भी अप और डाउन एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू। समझा? यस। क्या बोल रहा है वो, इट मे बी मोर और लेस। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप हमेशा बोलोगे सर आपने तो मोर ही बोला हमेशा, लेस भी तो हो सकता है ना, बोलो रे बच्चों। यस सर। सो क्या आपको बुक वैल्यू समझ में आया? फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और अब आगे जाके इक्विटी या नेटवर्थ की बात करेंगे। इक्विटी या नेटवर्थ, आगे क्या, इक्विटी ब्रैकेट नेटवर्थ,
क्या लिखा है उसमें, द कैपिटल सप्लाइड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स कॉमन स्टॉक पेड इन कैपिटल दैट इज पेड अप कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स एंड ओकेजनली सर्टन रिजर्व्स दैट इज टोटल इक्विटी इज कॉमन स्टॉक प्लस प्रेफर्ड स्टॉक. इक्विटी नेटवर्थ मतलब तुम्हारा टोटल होल्डिंग कितना है शेयर्स का. इक्विटी हमारे कंपनी में इक्विटी कितना है, ये हमारा शेयर कैपिटल, इसमें लिखते ना अपन शेयर कैपिटल, जिसमें क्या होता है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स. अरे बोलो आया ना. सो ये सबको मिला के प्लस इसके अंदर अपना जनरल रिजर्व प्रॉफिट वगैरह रिजर्व ऐड करते ना अपन, तो ये सब मिला के अपन क्या बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट इज योर इक्विटी और नेटवर्क. इन अदर वे राउंड अगेन इट इज सेम लाइक एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी. बचेगा तो यही ना. सो भाई अपन ने बुक वैल्यू में बात भी करी थी ना कि इट इज योर नेटवर्थ, तुम्हारे बिजनेस का क्या वैल्यू है, व्हाट इज योर नेटवर्थ, क्या औकात है तेरे बिजनेस की, क्या औकात है. मैं क्या बोलेगा, देख भाई ये मेरे को आना है और ये इतना मेरे को देना है, ये बचा हुआ मेरा बिजनेस का वैल्यू है, दिस इज माई इक्विटी, दिस इज माई नेटवर्थ, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड, ये हमारा बिजनेस का वैल्यू है. समझा गया. सो दैट इज इक्विटी और नेटवर्थ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक पोर्शन ऑफ अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स एटसेट्रा. क्लियर है एकदम? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, बजट था ना आप लोगों का कल बजट रक्षाबंधन के टाइम पे लड़को था ना कि बाबा पापा से लेने का 2000 रुपए, 1500 रुपए का गिफ्ट लाने का, 500 रुपए का अपने जेब में या तो बाहर जाने का सिस्टर को लेके पानी पूरी समोसा वगैरह खाने का मस्त एकदम एंजॉय. कुछ बजट प्लान करे होंगे आप लोग रक्षाबंधन के टाइम पे, वैलेंटाइंस डे के टाइम पे, चॉइस अपनी अपनी. बजट होता है बर्थडे, बर्थडे के टाइम पे 2000 लेने का तो किसको के कैसे ट्रीट देने का, बराबर के नहीं, दोस्त है बहुत कमी ने दोस्त है, छोड़ेंगे नहीं, पार्टी तो लेंगे ही लेंगे, तो अभी 2000 का पूरा बजट बनाना पड़ेगा. तो ये बजट समझता है ना आप लोगों को. सो प्लानिंग करना, बजट मतलब क्या बोलते हैं, प्लानिंग करना कि अपने को जो भी अपने पास जो पैसा है हाउ वी आर सपोज टू एक्सपेंस इट आउट इज कॉल्ड एस व्हाट, बजट. बजट अलग अलग तरीके के होते हैं, पहले समझो, पढ़ो मत, पहले आराम से समझो. बजट मतलब क्या है समझाना, कि वॉट एवर फंड यू हैव हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट फंड इन विच मैनर, कैसे इसको आप यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, बजट. मतलब आप बजट बना सकते हो कि भाई आज ना इस महीने मेरे पास 1,00,000 रुपए है, इस महीने मेरे को 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, मेरा बजट है 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का, तो कहां कहां करूं. तो मैंने सोचा चलो एक काम करते, 20,000 रुपए का गोल्ड खरीदते हैं, 30,000 रुपए हम लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं, 50,000 हम लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में डालते हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं इसका, ये बजट बना रहे हैं हम लोग. तो ये बजट कौन सा हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट का बजट. सही है ना एकदम? यस सर. मेरे पास पैसा है 10,00,000 रुपए, मैं कैपिटल का बजट बना रहा हूं कि हमको इस साल अगले एक साल भर में हमको एक नया मशीन लेना है, फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स लेने हैं, धीरे 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 हम लोग अपने प्लांट को क्या करने वाले हैं, एक्सपांड करेंगे. तो हमको ये 10,00,000 रुपए कैसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम लोग को लगाना है, तो इसको कौन सा बजट बोलेंगे, कैपिटल बजेटिंग, कि आने वाले समय में हमको कैपिटल के लिए कितना कितना पैसा लगने वाला है, तो उस टाइम पे वैसे वैसे पैसे हमने अरेंज करने चाहिए, तो उस टाइप के बजट को क्या बोलेंगे, कैपिटल बजेटिंग. आपके पास प्योर कैश है, वो कैश आपने कैसे कैसे स्पेंड करना है, कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, उस बजट को क्या बोलेंगे, कैश बजट. समझा गया? इट्स सिंपल बजट. अभी जैसे कल 1st of September है, कल आपको शायद पॉकेट मनी मिलेगी या पापा को सैलरी मिलेगी, मम्मा को सैलरी मिलेगी, तो पूरे हफ्ते का पूरे महीने का वो लोग क्या करेंगे, बजट बनाएंगे कि पहले पापा क्या करेंगे, पहले ये इतनी SIP जानी है, बराबर है, ये इतना यूटिलिटी बिल्स के लिए पे करना है, घर का रेंट होगा या इलेक्ट्रिसिटी या अपना क्या बोलते हैं उसको, सब्जी राशन जो भी है उसके वो बिल्स पे करने हैं, बराबर, क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने हैं,
फिर इसके बाद बचा कुचा कुछ हम लोग उसको अपने एंजॉयमेंट के लिए खर्चा करेंगे, आपको पॉकेट मनी है वो, तो ये सब क्या करा पापा ने, बजट बनाया, दैट्स इट सिंपल, बजट अंडरस्टूड क्या, इट्स दैट सिंपल। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो आपको फाइनेंस में, दैट इज एफएम में, आपको ये बजट बनाना सिखाया जाएगा, बराबर के नहीं। आप इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग पढ़ोगे तो आपको कॉस्ट का बजट बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे आप फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हो कि बिजनेस अगर ऐसा ऐसा ग्रो होगा तो खर्चे का बजट बनाएंगे हम लोग, वो कॉस्टिंग में सीखेंगे अपन, बराबर है। फाइनेंस में अपन कैपिटल बजटिंग सीखेंगे कि कैपिटल कब कब कैसा लगना है, तो फ्यूचर में मतलब कैसा, समझो बात को, मेरे को आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद मेरे को वो इक्विपमेंट लेना है, बराबर है कि नहीं, तो उसको मेरे को लगने वाले आज से 5 साल बाद मुझे कितना पैसा लगने वाला, 5 लाख रुपए ना, तो मेरे को उस टाइम पे 5 लाख रुपए डायरेक्ट थोड़ी मिलेंगे मेरे को, उसका बीज आज बोना पड़ेगा ना मेरे को, तो वो कल के 5 लाख मतलब आज के कितने होंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू, मैथ्स में सीखते हो ना, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, तो कल के 5 लाख आज के कितने, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तब जाके वो 5 साल में 5 लाख बन जाएगा और फिर आप वो 5 लाख की मशीन खरीद सकते हो। तो ये सब आप फाइनेंस और कॉस्टिंग में सीखेंगे बढ़िया से, समझा बात को, मजा आएगा। आइए बजट। ओके सर प्लीज इफ यू डिस्क्राइब दैट, क्या इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी सीए फाउंडेशन की? हाँ जी भैया, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर प्लीज आई कैन डिस्क्राइब व्हाट इज बजट, जो पढ़ रहा है पहले उस पर ध्यान दो रहे, तुम्हारा है ना यही दर्द है जिंदगी में, जो चल रहा है ना उसको नजरअंदाज करते हुए दूसरा ही आप टेंशन लेते हो। चलो बजट, बजट इज क्या बोल रहे बच्चों, डिटेल्ड प्लान फॉर फ्यूचर, आने वाले समय में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, क्वांटिटेटिव टर्म्स। इट इज फॉर द प्लान फॉर एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम लोग रॉ मटेरियल कैसे यूज करें उसका बजट बनाएंगे, हम लोग अपना पैसा कैसे यूज करें उसका बजट बनाएंगे, तो अलग अलग टाइप के बजट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अ डिटेल्ड प्लान फॉर फ्यूचर। इतना समझ में आया? यस। तो अभी क्या है, इसको फटाफट फटाफट रीड कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल की इट इज अ प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, और कैपिटल मतलब क्या है, उस कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ ईयर। आपको पता है कोई भी चीज को एसेट कब क्लासिफाई करते हैं, जब उसका बेनिफिट इज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन अ ईयर। अगर किसी चीज का बेनिफिट उसी साल में खत्म होने वाला है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका बेनिफिट अगर एक ही साल में है तो क्या होगा, अब जैसे ये मेरा आईपैड, इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 1 ईयर के लिए या मोर देन अ ईयर है, आई विल क्लासिफाई इट एज व्हाट, कैपिटल। समझा गया बात को? बट अगर मैं यहां पे जो इसकी बैटरी है ये क्या है, इसी साल में इसका बेनिफिट लेके खत्म होने वाला है क्या, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, एक्सपेंस आउट कर देंगे। ये पानी का बॉटल इसी साल में, इसी साल में क्या सर, इसी लेक्चर में इसका खत्म हो गया पानी, बेनिफिट आपको मिल गया, खलास। समझा गया? सो अपने को कैपिटल एसेट्स, अब मेरे को आज जो है ना ये आईपैड, ये अभी मेरे को बजट बनाना पड़ेगा कि अभी ये लैपटॉप चलेगा 5 साल, तो 5 साल बाद मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, तो कितना पैसा डालना पड़ेगा, मे बी 2.5-3 लाख रुपए, बराबर है। तो 5 साल बाद मुझे 3 लाख रुपए लगने वाले है, तो इसीलिए मैंने आज से क्या करना चाहिए, उसका प्लानिंग करना चाहिए ना, कैपिटल बजटिंग। समझा बात को? ओके। उसके बाद नेक्स्ट, ओहो, कैश बजट, खर्चा करने का है कैश में, तो कितना कैश जाने वाला है, कितना कैश आने वाला है, कितना कैश बचेगा, बेसिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लोस, प्योर कैश, हाउ मच कैश यू विल रिसीव, प्योर कैश, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू गेट, हाउ मच यू आर गोइंग टू स्पेंड। ऐसा नहीं होना चाहिए आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, इसलिए यू शुड नो हाउ मच इज योर आमदनी एंड हाउ मच इज योर खर्चा, कि कितना आने वाला है और कितना खर्चा करने का है, इसका बजट जो होता है वो बोलते हैं अपन क्या, कैश बजट। आप लोग भी करते ना बजट, कैश बजट, ऐसा पापा से इतना आ जाएगा पॉकेट मनी, फिर दोस्त से 100-200 उधार ले लूंगा, एक दोस्त से मैंने उधार लिया था वो आ जाए, मैंने दिया था वो आ जाएगा, 500 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए पापा को बोलूंगा, 300 का भर दूंगा, 200 जेब में, बराबर है।
कॉलेज के असाइनमेंट्स के नाम पे बोलूंगा लेट हो गया है तो पापा फीस भरनी है उधर कॉलेज में, वो जेब में डाल दूंगा, अपने तो टाइम से सबमिट कर दिया, ऐसे जुगाड़ करोगे आप, फिर कहाँ कहाँ से आना है उसका हिसाब किताब लगाते हो, फिर कहाँ कहाँ खर्चा करना है उसका हिसाब लगाते हो, फिर देखते हो यार ये तो मैच ही नहीं हो रहा है या मैच हो रहा है या सरप्लस बच रहा है, ये जो आप पूरा प्लानिंग करते ना सब फुल एकदम ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग, उस बजट को क्या बोलते हैं? कैश बजट। समझा क्या? अ टेबल शोइंग कैश फ्लोज, रिसीट्स, डिसबर्समेंट्स बराबर फॉर अ फर्म एंड कैश बैलेंसेस फॉर अ फर्म ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कैश बजट। कमोडिटी, व्हाट इज कमोडिटी? इट इज अ प्रोडक्ट यूज्ड फॉर कॉमर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन अ सेपरेट ऑथराइज्ड कमोडिटीज प्लेटफॉर्म आर कॉल्ड एज व्हाट? कमोडिटीज। आपको पता है गोल्ड में ट्रेड होता है, सिल्वर में लोग ट्रेड करते हैं, हल्दी में, स्पाइसेस में, इस सब में ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ये सब कमोडिटीज है, और इनका जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं अपन कमोडिटी मार्केट। क्या बोलते हैं उसको? कमोडिटी मार्केट। आज जैसे मेरा एक दोस्त है वो एग्रीकल्चर आइटम्स में ट्रेड करता है, वो तो आपको पता है ऑनियन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया 40%, पता है आपको? ऑनियंस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया 40% टू रेगुलेट द प्राइसेस, इंडिया में प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहे इसके लिए। कल आपने अगर न्यूज देखा होगा तो आपको बता दूं कि ऑनियन प्राइसेस हैव डबल्ड एंड इट इज फॉलोइंग द सेम रूट दैट वाज फॉलोड बाय टोमेटोस। अब ऑनियंस भी महंगे हो रहे, पता है आपको? नहीं पता? ऐसा कुछ आपको ऐसा सर? अच्छा मैं न्यूज बताऊं आपको, ऐसे मैंने कल ही वो दोस्त को भेजा मैंने, ये देखो मैं आपके उसके साथ है ना चैट डिस्क्लोज करता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा ना कुछ, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, सेव टू फोटोज, और फिर इसके बाद यहां से यहां डन से अरे डिलीट काहे किया बे? अरे तुमको बता रहा हूं कि क्या क्या होता है ना, लोग कैसा क्या ट्रेड करते हैं, क्या क्या करते हैं, आई विल जस्ट शेयर विथ यू गाइस, तो तुमको पता चलेगा कि तुम जिंदगी में क्या क्या कर सकते हो। ये देखो, तो ये उसके साथ जो चैट थी, बाकी सब कुछ नहीं दिखा रहा हूं, ये उसका मैसेज आया कि एक्चुअली ऑनियन पे 40% ड्यूटी लग गई है तो इंडिया में माल लेके रखना है, ठीक है ना? दिस दिस वॉज द चैट ही सेंट मी कपल ऑफ डेज बिफोर, ही वॉज वी वर हैविंग अ डिस्कशन, देन आई सेंट हिम दिस येस्टरडे, ऑनियन गोइंग द टोमेटो वे, आई गॉट, ये मेरा फोन का वो स्क्रीनशॉट पीछे आप लोगों देख सकते हो, सो आई गॉट दिस टीओआई का मैसेज, ऑनियन गोइंग द टोमेटो वे, प्राइस इज डबल विद इन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब? हाँ, 15 डेज, फोर्टनाइट इज 15 डेज में ये डबल हो गया, प्राइसेस डबल हो गया ना, अभी वो बढ़ते जा रहे हैं। सो आई मैसेज हिम, बधाई हो, सो ही सेंडिंग विद इज हार्ट इमोजी बिकॉज नाउ ही इज गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, बिकॉज वॉट ही सेड ही वॉन्टेड टू कीप अ स्टॉक ऑफ ऑनियन, सो ऑनियन का ये ट्रेड हो रहा है, ही इज बेसिकली डीलिंग इन वॉट? एग्रीकल्चर। सो आप समझिए ये कमोडिटीज है मार्केट, सो इज इन्वेस्टिंग बाइंग टन्स एंड टन्स ऑफ ऑनियन, होल्डिंग इट, एंड व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग अप ही इज मेकिंग इट अवेलेबल इन द मार्केट, अर्निंग प्रॉफिट। क्या होता है वो कैपेसिटी, लिक्विडिटी होनी चाहिए होल्ड करने की उसको, फिर मार्केट में है। तो लोग जो है ना, मैं आप समझा रहा हूं आपको कि ये जो चीजें, ये जो डीलिंग होता है, ये ट्रेडिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कमोडिटीज। और इसको मार्केट को क्या बोलते हैं अपन? कमोडिटी मार्केट। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ ट्रेडिंग होता है करके, होता है, ठीक है? यस, मजा आ गया। लास्ट कॉन्सेप्ट
डेरिवेटिव्स। अभी क्या होता है, अभी ऑनियंस में ट्रेड करना है आपको या आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, तो ऐसा नहीं होता कि ये लो ऑनियन, फिजिकली ऑनियन दिया, पैसा दिया, फिजिकली ऑनियन लिया रखा। क्या होता है डेरिवेटिव का मतलब, क्या होता है, एक सिक्योरिटी बनाते हैं अपन, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ध्यान से सुनना, एक सिंपल एकदम लेमैन जो आपको एकदम आसानी से समझ में आए वैसा बता रहा हूं, एकदम कॉमन सेंस के हिसाब से कि बाबा ओके। तो यहां पे ये मान लो ये सब क्या है, ऑनियन से ही है। अब ये एक टन ऑनियन, तो एक टन ऑनियन मेरे घर पे थोड़ी अनलोड करेगा वो, ये तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरे को इतना ऑनियन खरीद के रखने का है, उसको 15 दिन बाद बेचेगा मैं उसको, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ऑनियन सही में ऐसा फिजिकल मूवमेंट थोड़ी होता है ऑनियन का या टोमेटो का। तो इस सिक्योरिटी को या इस कमोडिटी को, जैसे ये गोल्ड हो सकता है तो सिक्योरिटी बोलेंगे, गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो लोग फिजिकल गोल्ड खरीद बेच थोड़ी ऐसा करते हैं, समझ रहे बात को, या तो ये कमोडिटीज है तो क्या होता है इसका फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। अपन क्या करते हैं, एक उसके नाम का एक अपन क्या करते हैं डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, सिक्योरिटी, एक पेपर बनाया मान लो ये, और बोल रहे ये पेपर सिग्निफाई करता है कि ये इतने ऑनियन है या इतना गोल्ड है या इतना सिल्वर है या इतने स्पाइसेस है, हल्दी मिर्ची, ये इसमें भी ट्रेडिंग होता है, समझ रहे बात को। तो ये पेपर जिसका अंडरलाइंग एसेट कौन सा है, ये कमोडिटीज, और मैं ये पेपर का हमारा लेन देन होते रहेगा, इसकी वैल्यूज इन्फ्लेट या कम या ज्यादा होती रहेगी, समझा क्या बात को। तो ये जो पेपर है ये किसके बुनियाद पे आया, ऑनियंस गोल्ड सिल्वर, तो इसकी वैल्यू जो है ना ये कौन डिराइव कर रहा है, ये कमोडिटी, इसीलिए इस चीज को अपन क्या नाम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए डेरिवेटिव, बिकॉज इट्स वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी द अंडरलाइंग एसेट, देयरफॉर द वर्ड इज यूज्ड एज व्हाट, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऐसा देखने को लगता है और कुछ तो भारी होगा भाई, डेरिवेटिव मतलब क्या है, अ सिक्योरिटी है हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट, एक ऐसा सिक्योरिटी है समझ में आया क्या, कि जिसकी वैल्यू डिराइव करी गई है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स आर स्टॉक्स बॉन्ड्स कमोडिटीज करेंसीज इंटरेस्ट रेट मार्केट इंडाइसिस, समझा गया, तो किसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं इन डेरिवेटिव मार्केट, समझा गया बात को, यस सर। सो ये हो गया डेरिवेटिव्स। होमवर्क के लिए मार्क करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैश डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड एस व्हाट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बॉन्ड आपको पता है अ प्रोमिसरी नोट, बराबर है, बट अगर ये गवर्नमेंट ने इश्यू करी है तो इट विल बिकम व्हाट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क क्या है, जीरो रिस्क नहीं है क्योंकि ये सरकार ने इसकी गारंटी ली हुई है, ठीक है। इंडेक्स होमवर्क के लिए मार्क करेंगे, इंडेक्स मतलब जैसे अपन ये सेंसेक्स की बात करते हैं ना, आज अपन बोलते हैं आज मार्केट ऊपर गया, आज मार्केट नीचे गया, किस बेसिस पे बोल रहे हैं मार्केट ऊपर गया मार्केट नीचे गया, सेंसेक्स के बेसिस पे ना, तो सेंसेक्स इज अ सेंसिटिव इंडेक्स जो मार्केट के मूवमेंट्स को ट्रैक करके बताता है मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, सो दैट सेंसेक्स इज व्हाट वी कॉल इट एज द इंडेक्स, समझा। सेंसेक्स का कॉइन वर्ड क्या मालूम है, क्या, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स कंबाइन होके बना सेंसेक्स, समझा गया बात को, यस सर। लिक्विडेशन, कंपनी के एसेट्स धीरे 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 बेचना पीसमील में, पीसमील मतलब पार्ट बाय पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन, पार्ट बाय पार्ट, इकट्ठा एक साथ पूरी कंपनी को नहीं बेचना, पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे बेचना, जैसे उबर, उबर ईट्स था और उबर कार रेंटिंग वाला था एक, तो उबर ईट्स बेच दिया ना जोमैटो को, आपको पता है पहले उबर ईट्स था वो किसको बेच दिया, जोमैटो को बेच दिया, जोमैटो ने खरीद लिया उसको, तो एक ब्रांच उसका क्या हो गया, उन्होंने बेच दिया, अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस, पूरा उबर बंद नहीं कर दिया उन्होंने, एक
पोर्शन जो है वो धंधे का उन्होंने बेच दिया। उबर का एग्जाम्पल, मार्केट कैपिटलाइजेशन कल पढ़ेंगे, हो गया ना? नहीं, ऊपर एक बेटा और बेटा, बेटा नहीं, बीटा, बीटा मार्केट कैपिटलाइजेशन बदला, ये सब मतलब दो चार टर्मिनोलॉजीज बचे हुए, ज्यादा कुछ नहीं। सो कल मिलेंगे और इन दो तीन चीजों को पढ़ के हम लोग कल मार्केटिंग की दुनिया में चलेंगे, एक अलग ट्यून रहेगा कल मार्केटिंग की दुनिया में, अलग मजा आएगा, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कल आपका टेस्ट भी है बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है? तो जम के पढ़ाई करना, जिसका जिसका जितना सिलेबस हुआ है उतना उतना वो लोग टेस्ट देंगे, और कम नंबर आए तो भैया आपको तो पता है कि सर बहुत डेंजर है, ऐसे बहुत अच्छे हैं नंबर्स के लिए, अपन को एकदम बहुत सिंसियरली पढ़ना है अपने को, ठीक है? यस सर, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे, टाटा।